छत्तीसगढ़ के महान सपूत हम सबके प्रीपात के रूप में छत्तीसगढ़ की पुलिस सेवा में भी इनका अपना एक नाम था। उन्होंने अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से यह स्थापित कर दिया था कि वो उन सब चीज़ों से ऊपर हैं जो एक आम पुलिस के जवान में होनी चाहिए। अभी जैसा कि प्रसंग एक आया, परशुराम जी के चरित्र से उनकी तुलना की गई, विनोद शंकर जी चौबे ऐसे महान पुलिस के अधिकारी थे जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की उचित समय पर प्रयोग करने का अध्ययन किया था। आज हमारे सामने ही है जो पेपर की कतरने लगी हुई है, यह इस बात का प्रमाण है कि शहीद अमर शहीद विनोद कुमार चौबे हमारे बीच भले ही ना रहे, लेकिन आज हम सबके लिए ये गौरव की बात है कि वो इस प्रदेश के ऐसे शहीद सपूत हैं जिनसे हमें जीवन भर प्रेरणा मिलती रहेगी। 1983 बैच के शहीद श्री विनोद कुमार चौबे ने उनके अपने साथी जिन्होंने सेवा प्रारंभ की, उसी वक्त दंतेवाड़ा की एक लैंड माइन में उनका देहांत हो गया। ऐसे नौजवान शहीद थे शहीद राजीव दीवान जी, भास्कर दीवान 1983 में इनके साथ सेवाएं प्रारंभ की और 83 के बैच के ये दूसरे अधिकारी जिन्होंने अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में दंतेवाड़ा से लेकर बलरामपुर तक का जो क्षेत्र है, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, पूरी की पूरी सेवाओं में पूरे समय उन्होंने जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया है और ऐसे सेवा करते हुए छत्तीसगढ़ के इस माटी पुत्र ने, सपूत ने अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया और एक अमर शहीद का दर्जा हम सब के लिए गौरव से प्राप्त किया है। आज की श्रद्धांजलि सभा में हम सभी नौजवान इस बात का संकल्प लेते हैं कि इन दोनों हमारे अमर शहीद भास्कर दीवान जी के और अमर शहीद विनोद शंकर चौबे जी की स्मृतियों को चिरस्थायी रखने के लिए आने वाले समय में इस प्रदेश के नौजवान बालक वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले ऐसे दो बच्चों को इनके नाम पर हम एक पुरस्कार देकर उन्हें अपने जीवन में इनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प दिलाने के हम प्रण करते हैं। भास्कर दीवान और विनोद कुमार चौबे एक अध्याय के रूप में हम सभी के बीच में आज दर्ज हो चुके हैं। प्रदेश की यह सरकार ने जो गलतियां की हैं, जो खामियां की हैं, उसका भुगतान हम सबको हमारे सपूत विनोद शंकर विनोद कुमार चौबे के शहीद होने के रूप में हम सबके सामने हैं। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उससे संकल्प लेने का दिन है। हमारे लिए गर्व की बात है कि अमर शहीद विनोद कुमार चौबे और भास्कर दीवान हम सबके लिए प्रेरणा के दायक थे, न केवल प्रेरणादायक थे बल्कि उन्होंने अपने कर्मों से इस बात को स्थापित किया कि पूरे प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना के लिए, पूरे प्रदेश को आगे लाने के लिए इस संकल्पित होकर एक ब्राह्मण सपूत आगे आकर संघर्ष कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री शहीद अमर शहीद विनोद कुमार चौबे जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी ऐसे शहीद के शहादत को चिरस्थायी रखेगी और उनसे प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ की माटी का इस कर्ज को विमुक्त करने का प्रयास करेगी। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को यह गोहक दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।